हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि अभी हम मीशो में कैटलॉग में इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मीशो के लॉगिन पेज पे आ जाना है और मीशो का आपका अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो अभी हमने हमारा अकाउंट अब लॉगिन हो रहा है। थोड़ा नेट स्लो है तो इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे ही आपका मीशो का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद में हमें ये सारी चीज़ें क्लोज कर देनी है। उसके बाद में हमें इन्वेंटरी में जाना है। जैसे हम इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे उसके बाद पेज ओपन होगा। जैसे वो पेज ओपन लोड हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे सारे कैटलॉग्स हमारे जो अपलोड किए हुए हैं वो आपको शो कर देंगे। जैसे हमारे ये कैटलॉग ओपन हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ से एक कैटलॉग सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें अभी हमने मैग्नेट वाली वॉच अपलोड की हुई है। तो अभी हमें मीशो में जैसे हमें इमेज ऐड करना होता है तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे। जैसे एडिट के क्लिक करेंगे उसके बाद में अभी हमने यहाँ पर चार इमेज ऐड की हुई है तो अभी हमें इस चारों को अभी रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद में हमें चेंज इमेज पे क्लिक करना है। जैसे हम चेंज इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारा जो इमेज वाला सेक्शन है ओपन हो जाए। उसके बाद में हमें यहाँ से इमेज को चेंज करना है तो अभी हम एक इमेज सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें अभी ब्लैक वाला जो LED वॉच है वो उसी को हम ऐड करने वाले हैं। तो जैसे हमें उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे इमेज शो करने लगेगा उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। अभी दूसरा इमेज हम ऐड नहीं कर रहे, अभी एक ही इमेज ऐड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हमें SKU चेंज कर देना है। जैसे कि हमें यहाँ पर अभी LED वॉच है तो अभी LED ब्लैक वाला हम डाल रहे हैं SKU। तो इसके साथ में आपका SKU भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर GST वगैरह सब कुछ है। मैं उसके बाद में हमें यहाँ पर जैसे ये करेंगे तो उसके नीचे हमें सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो पहले से आपने ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ऐड होगा, ऐड करने का ऑप्शन आएगा। ब्लैक कलर है, उसके बाद में किड्स वाला वॉच है तो किड्स, और स्ट्रैप कलर उसका ब्लैक है तो ब्लैक, और मटेरियल जो है वो अभी यहाँ पर हम PU डालने वाले हैं तो कैनवास डाल देते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हमें HSN कोड पूछेगा। HSN कोड हम सिलेक्ट करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा जो कैटलॉग है वो उसको एडिटिंग हो चुका है तो अभी यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हम रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद में देखेंगे तो आज तो ऐड नहीं होता है, उसके बाद में एक दिन में हमारे पास अपडेट होता है। तो अभी ये वाला देख लीजिए, ये शायद अलग कैटलॉग है, नहीं ये वाला हमने ऐड किया था। उसके बाद में अभी हम एक कैटलॉग है एडिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर शो कर देंगे एडिट अंडर रिक्वेस्ट है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो आपको 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर जो इमेज आपने अभी सिलेक्ट की थी वही इमेज आ जाएगी। जैसे ही आप पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी, अभी 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।